नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मिर्जापुर में पीएम नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को बाणसागर नहर परियोजना समेत कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने बाणसागर परियोजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस परियोजना से 1,70,000 किसान लाभान्वित होंगे। कई दशकों से लंबित पड़ी थी, हमारी सरकार ने समय सीमा के अंदर उसे पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी उसको यहाँ पर लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर लैंड इससे सिंचित होगी और बड़ी संख्या में 1,70,000 किसान परिवार इससे सीधे सीधे इससे जुड़ेगा। मिर्जापुर को मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, कई ब्रिजेज का उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा, कुछ अन्य कार्यों का भी शुभारंभ यहां पर प्रधानमंत्री जी के। उन्नाव में वकीलों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नाली को लेकर हुए विवाद के चलते वकीलों ने पीड़ित परिवार के घर की दीवार गिरा दी। मामला रामपुरी कॉलोनी का है, जहां वकीलों ने इस तरह की दबंगई की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि वकीलों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और छेड़छाड़ तक की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोग उतर के आए हैं, काफी सारे वकील थे और मैं छत आके दीवार तोड़ रहे थे, हम दो लोग थे और इन्होंने हाथापाई की, हमारा ब्लाउज भी फाड़ा इन्होंने। देखिए, संबंधित मामला हमारे थाना कोतवाली की रामपुरी कॉलोनी से संबंधित है। इसमें एक पक्ष एक वकील साहब हैं और दूसरे पक्ष वहाँ पे एक सिविलियन व्यक्ति है, जिनके बीच में विवाद हुआ है। विवाद का मूल कारण है नाली पे मकान बनाने को लेकर इन लोगों का विवाद हुआ है अभी, और तत्काल अभी थाना कोतवाली को ये सूचना मिलती है कि कुछ एक वकीलों का समूह जो है संबंधित के घर जाके कुछ तोड़फोड़ किया है, दीवार को गिराया है। तो तत्काल जो है थाना कोतवाली मौके पे पहुंचती है, मैं स्वयं मौके पे जाता हूं और वहां पे हम लोग घटनास्थल का मुआयना करते हैं और संबंधित से तहरीर लेके हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत। झांसी के बुंदेलखंड को सूखे के संकट से बचाने के लिए महाअभियान चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी कमिश्नर कुमुदलतला श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी सभा सागर में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कमिश्नर ने कहा, सूखे के संकट से बचने के लिए वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही कमिश्नर ने कहा कि पॉलिथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। पौधों का लक्ष्य रखा गया है जो 15 अगस्त को लगाए जाएंगे, जिसमें सरकारी गैर सरकारी निजी सभी प्रकार के व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि विभाग सभी लोग इसमें, जहाँ तक प्लास्टिक का प्रयोग है वो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन का अंग बन चुका है, और लेकिन इसके कितने नुकसान हैं, चाहे वो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा हो, मनुष्य की हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा हो, जानवरों को नुकसान पहुंच रहा हो, तो इसको रोकने की जो है एक बृहत योजना तैयार की गई है राज्य सरकार की ओर से। और 15 जुलाई से जो 50 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से बैन कर। शाजापुर जिले में नेशनल हाईवे 24 पर एक तेज रफ्तार कार टैंकर से भिड़ गई, जिसमें कार में सवार चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर की मौत हो गई। दरअसल कार में लखनऊ वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर समेत दो लोग सवार होकर बरेली की तरफ से लखनऊ जा रहे थे। फिलहाल हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुभाष चंद्र शक्ल ने बताया कि अधिकारी की गाड़ी आगे जा रहे टैंकर से टकरा गई थी। वहीं कार चालक ने टैंकर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं चूंकि नाम में घटना स्थल पर गया हूं, मैंने इवन अभी तक अपने भाई का चेहरा भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा उन्हें चोट कौन सी लगी है, और इसी को लेकर जद्दोजहद चल रही है। प्रदेश सरकार का एक इतना बड़ा अधिकारी, जिसके लिए मुख्य सचिव के यहाँ से मुझे आ रहा है, पर मुख्यमंत्री संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ की आप संवेदनशील पुलिस को देखिए,
जिसके लिए पूरी मुझे बार 10 फोन आ चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदना व्यक्त है, आज शाम को कंडोलेंस मीटिंग है और यहाँ ये लोग देखने नहीं दे रहे हैं मुझे, उनको उनका चेहरा नहीं देखने दे रहे हैं मुझे, उनके घाव की मैं उनका एक अंतिम चित्र लेना चाहता हूँ, उनको जो चोटें लगी हैं देखना चाहता हूँ। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी डिवाइडर साइड जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, घायल अवस्था में उनको अस्पताल दाखिल किया गया जहाँ उनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जो उनके ड्राइवर हैं उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया है टैंकर और ड्राइवर। हरदोई के संडीला इलाके में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि मोहल्ले के ही एक युवक ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि युवक ने युवती को भरोसे में लेकर उसकी अश्लील फोटो भी बनाई। वहीं जब युवती ने युवक से शादी करने की बात कही तो आरोपी युवक अब उन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद अब पीड़िता ने एएसपी के पास पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में एएसपी ज्ञानंजय सिंह ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। इंडिला थाना क्षेत्र से एक पिता अपने पुत्री के साथ आया था, नाबालिग बच्ची थी, उसने आरोप लगाया है उसी कस्बे के व्यक्ति के ऊपर, उसने उसके साथ दुराचार किया। 3-4 महीने पहले की घटना है, लोगों ने पड़ोसियों ने समझा भी जाता है कि शादी कर लेंगे, शादी से इनकार कर रहा है, उसी बात की कंप्लेंट करने आए थे। पूरे प्रकरण की जांच हेतु संदर्भित किया गया इंस्पेक्टर कल संडीला को, उसके बाद 1,000 दर्ज करके इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। बाहर गए हुए थे रिश्तेदारी में, अब सुब्रमकरण का मोहल्ले में रहता है वो आया और मैं सब जबरदस्ती करने लगे, जब चिल्लाने लगे तो मेरे 2-3 मोहल्ले की लड़की आ गए, मतलब मोहल्ले वाले आ गए तो उन्होंने यीशु को पकड़ लिया। वो कहने लगा कि हम दूसरी शादी भी करेंगे, और हमारे साथ 3-4 दफ़े ऐसे ही किया, और हमें वो कहने लगे कि शादी करो तो मुकर्रा है और धमकी दे रहा है कि जो है अगर तुमने शादी करने की यकीन मांग की तो जो है हम आत्महत्या कर लेंगे, तो हमारे फोटो जो है जो खींची वो सबको दिखा देंगे। लखीमपुर के नाउबेचा में बाढ़ की खबर से मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे। वहीं उनके इस दौरे में उनके साथ बाढ़ नियंत्रण मंत्री केशव महंत और स्थानीय विधायक यामुना इमदादुल हक चौधरी भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने दलहोट में टूटी हुई सेना नदी के बांध का पर्यवेक्षण करते हुए बांध को पुनर्निर्माण किए जाने की बात कही। वहीं बालिका हाई स्कूल के आश्रय शिविर में मुख्यमंत्री सोनोवाल ने पीड़ितों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से उन्हें हर तरह की सहायता मिलेगी। एक्सिडेंट गति के जाए कि नहक आमार एटा प्राथमिक दायित्व आछे जेने तेने हलेओ जितु भंगा एलेकाटो एतु अति हुनकाले बन्द करा बन्द करि प्लाय ततातरिया कय काम करि। हरदोई की कोतवाली देहात इलाके के पोखरी खेड़ा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया जिसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है, तो वहीं बदमाश का दूसरा साथी मौके से भाग निकला। दरअसल ये मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हत्याकांड में शामिल बदमाश ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई और हत्याकांड के गवाह पर जानलेवा हमला किया। वहीं मामले की सूचना पाकर एसपी विपिन कुमार मिश्र, सीओ सिटी विजय सिंह राणा भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। वहीं पुलिस के मुताबिक इस बदमाश की पहचान सनी कश्यप खेड़ा दास बदायूं के रूप में हुई, जो कि सुरक्षा सुरसा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय मिश्रा की हत्या में वांछित था। इससे पूर्व भी धनंजय पर कातिलाना हमले हो चुके हैं। निवासी पुत्र अमर सिंह है, जो निवासी खेड़ा दास थाना फैजगंज जनपद बदायूं का है, और ये आज पुलिस मुठभेड़ में इसके बाएं टांग पर गोली लगी है। मुठभेड़ की का वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि पुलिस उधर से गश्त करते हुए आ रही थी, और ये 2016 में संजय मिश्रा के हत्याकांड में वांछित भी था, इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। अचानक ही इसने उस संजय मिश्रा के भाई जो गवाह हैं इस मुकदमे के उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू किया था, तब तक सामने से पुलिस भी आई और उस दौरान जो है
झांसी में गरोटा थाना क्षेत्र के गोहन और दुरखू गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेतों में चर रही किसानों की 65 बकरियों की मौत हो गई, जिसमें गोहन गांव की 35 जबकि दुरखरू गांव की 30 बकरियां मारी गईं, जबकि 14 बकरियां इस हादसे में झुलस गईं। वहीं घटना की सूचना पर गरोटा एसडीएम तहसीलदार पशु चिकित्सकों की टीम घटनास्थलों पर मुआयना करने पहुंच गई, जहां जायजा लेने के बाद पशु चिकित्सकों ने मृतक बकरियों को अपने कब्जे में लेकर उनका पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। वहीं जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने किसानों को आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा भी दिया है। 65 बकरी मारी गई है, 35 नहीं। डीएम को इस संबंध में रिपोर्ट देके और क्षति का आकलन करते हुए हम लोग आई थिंक आज शाम तक ही उसमें सहायता राशि उपलब्ध करा देंगे। जो हमारा मैनुअल है आपदा राहत का, उसके अंतर्गत जो भी उनको अनुमन्य सहायता राशि है वो आज ही शाम तक उपलब्ध करा दी जाएगी। इस संबंध में एसडीएम को उन्नाव में देर रात एक घर में घुसकर लाखों रुपए के माल पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। दरअसल पूरा मामला उन्नाव जनपद के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कंचन नगर का है, जहां पीड़ित के मुताबिक उनके घर में देर रात जब घर के सभी लोग छत पर सोए हुए थे तो उसी दौरान बल्ली के सहारे चोर उनके घर में घुस आए और लगभग 12 लाख रुपए तक के माल पर अपना हाथ साफ करके मौके से फरार हो गए। वहीं सुबह घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो उन्होंने नजदीकी थाने जाकर मामला दर्ज कराया। वहीं इस मामले में सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि टीम गठित करके चोरों की तलाशी की जा रही है। जो बीती रात है उसमें हमारे गंगाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के घर में चोरी की सूचना प्राप्त होती है और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के छानबीन करती है तो चोरी की पुष्टि भी होती है उनके घर से और फिर पुनः वो एक तहरीर उनसे प्राप्त कर ली गई है। गंगाघाट पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर ली है और उनका मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। लगातार चोरों की तलाश की जा रही है और एक टीम भी गठित कर दी गई है। जल्दी इसके फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।